बॉलीवुड और अंडरबर्ड के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। एक वक्त ऐसा था जब फिल्मों में सिर्फ ब्लैक मनी लगा करती थी और ये पैसा दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम का था। मोनिका बेदी और अबू सलीम रिलेशनशिप में थे, लेकिन इनकी लव स्टोरी हमेशा सस्पेंस बनकर रही। इन दोनों को एक साथ पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था। अबू सलीम अभी जेल में है, वहीं मोनिका बेदी अपने हिस्से की सजा काटकर फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक्टिव हो गई हैं। मोनिका ने सालों बाद इस राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि अबू सलीम ने उन्हें कितनी बुरी तरह से धोखा दिया। साल 1998 में मोनिका के पास एक फोन आया और उन्हें दुबई में शो करने का ऑफर मिला। फोन के दूसरी तरफ बोलने वाले अबू सलीम ने खुद को एक बिजनेसमैन बताया और अपना नाम बदलकर आर्सन अली बताया। दोनों उसके बाद घंटों बात करने लगे। इसके साथ ही उनका अफेयर शुरू हो गया। अबू सलीम ने कभी नहीं बताया कि वो कौन है, लेकिन मोनिका कहती हैं कि अबू ने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। मोनिका और अबू सलीम लिव इन में रहने लगे। फिर मोनिका को ये रियलाइज हुआ कि जिस इंसान के साथ वो रह रही हैं वो उनकी सोच से बिल्कुल अलग है। साल 2002 में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब जाकर मोनिका को अबू सलीम की सच्चाई पता चली। मोनिका ने इस दौरान एक शायरी में अपनी सारी बात कही थी। छोड़ दे सारी दुनिया के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी जरूरी है कई काम, प्यार सब कुछ नहीं है जिंदगी के लिए। आपको कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।